हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट नंबर। क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। तो यहां पर आपको डिटरमिनेंट दिया है, यहां पर 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो हमको यहां पर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर 3 × 5 आएगा, तो यहां पर 3 × क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस 2 × 4 आएगा, माइनस 2 × 4। ठीक है, तो 3 × 5 कितना होता है बच्चों? तो वो होता है 15। और 2 × 4 कितना होता है? 8। तो 15 − 8 कितना होता है? 7 होता है। आंसर तो यहां पर किसी ने लिख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो ये जो 3 डिटर्मिनेंट है, इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो पहला डिटरमिनेंट यहां पर आपको दिखेगा क्या है, −1 और 7। दूसरा क्या है, 2 और 4। ठीक है, ये आपको यहां पर दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, −1 × 4 − 7 × 2। तो −1 × 4 कितना होता है, −4। −7 × 2 कितना होता है, −14। तो ये कितना आ गया, −18। तो पहले का आंसर कितना आ गया, −18। अब दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है बच्चों, तो 5 × 3 − 7 = 0। ठीक है, 5 × 3 − 7 और 0। तो ये कितना आ गया बच्चों, यहां पर 5 × 0 − 3 × −7। तो 5 × 0 कितना होता है, तो वो होता है 0। उसके बाद −7 × 3 कितना होता है, −21। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये कितना आ जाएगा, 21। कितना आ जाएगा, +21। अब तीसरा करके देखते हैं, तीसरा क्या दिया है बच्चों, तो तीसरा दिया है 7/3। और क्या दिया है, 5/3। उसके बाद क्या दिया है, 3/2 और 1/2। ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या है बच्चों, 7/3 × 1/2 − 5/3 × 3/2। तो 3 ने 3 को मारा। ठीक है, ये कितना आएगा, 7/6 − 5/2, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 × 2 = 12 होता है, 7 × 2 = 14 − 30। ठीक है, अब ये कितना आता है, 14 में से ये गया, कितने रहते हैं, 16 माइनस 16 / 12। तो इतने कितना भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो ये कितना है, −4/3। ठीक है, आंसर कितना आया, −4/3 आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो पहला क्या है, 3x − 4y = 10। और दूसरा क्या है, 4x + 3y = 5। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूं। ठीक है, तो ये नए पेज पे करेंगे, यहीं पर करेंगे, चलो यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, 3x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ठीक है, 3x − 4y = 10। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 5। ठीक है, ये है a1, ये है b1 और ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c2। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको सबसे पहले निकालना है d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है a1 b1 a2 b2 a2 b2। तो भाई a1 कितना है, वो है 3, a2 कितना है, 4, b1 कितना है, −4, और b2 कितना है, 3। ठीक है, तो यहां पर ये कितना आया, 3 × 3 = 9 −4 × 4 − 16। तो कितना आता है, 9 + 16 कितना आता है, 25। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, तो d की वैल्यू आ गई है 25। ठीक है,
ये क्या है डी की वैल्यू, राइट। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको अभी डीएक्स निकालना है। तो डीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सी वन बी वन सी टू बी टू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब सी वन कितना दिया है, तो 10 दिया है, सी टू कितना दिया है 5 दिया है, बी वन कितना दिया है -4 दिया है, और बी टू कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 × 3 = 30, 5 × -4 −4 × 5। देखो यहां पर मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, नहीं तो यहां पर गड़बड़ी होती है। तो 5 − −4 कितना होता है -20, माइनस माइनस क्या होता है +20, तो ये कितना आ गया 50। ये किसकी वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू आ गई है डीएक्स की, ठीक है। तो डीएक्स हमको मिल गया, अब हमको क्या करना है, डीवाई करना है। तो चलो डीवाई भी निकाल लेते हैं। तो डीवाई का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन सी वन अपॉन ए टू सी टू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए वन कितना है 3, ए टू कितना है 4, सी वन कितना है 10, सी टू कितना है 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहां पर, 5 × 15 − 40, तो कितना आता है 15 − 40 कितना आता है 25 आता है −25, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये हमको क्या निकालना पड़ेगा, x फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d, ठीक है। अब dx कितना है भाई, तो वो है 50, d कितना है 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। उसी तरह से y की निकालेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन d, dy कितना है −25, d कितना है रे भाई 25, कितना आ गया −1। अब यहां पर बच्चों x, y = 2, −1 इज द सॉल्यूशन, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ। तो ये पहले का आंसर है। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। मई का महीना चल रहा है, सॉरी अप्रैल का महीना चल रहा है, और बहुत ज्यादा गर्मी है यहां पर, जिसके कारण मैं पसीने से पूरा का पूरा गीला हो गया हूं, पंखा भी नहीं चल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इस गर्मी में बस आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, अब आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। पता नहीं वीडियो कैसे बनेगा, कोई देखेगा भी या नहीं। 4x + 3y = −4 = 0, दूसरा क्या है 6x = 8 − 5y, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर हमने लिख लिया है क्वेश्चन, राइट। अब इसको सबसे पहले तो हम अरेंज कर लेते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या लिखने में, −4 चाहिए तो यहां पर मैंने = का साइन दे दिया, ठीक है। अब 4x + 3y = 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर इसको जो −5 है वो LHS में लेके आएंगे, 6x + 5y = 8, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू जो है a1 b1 c1 a2 b2 and c2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट d निकालना है, ठीक है। तो d क्या होता है, a1 b1 = a2 b2, ठीक है। तो ये 4 × 3 = 6 π, ठीक है। 5 × 20 − 18 कितना आता है 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, तो d की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, dx निकाल लेते हैं। तो dx क्या आएगा, फॉर्मूला इसका c1 b1 c2 b2, तो भाई c1 कितना है 4, c2 कितना है 8, b1 कितना है 3, b2 कितना है 5, ठीक है। तो ये कितना गया, 5 × 20 = 8 × 3 = 24, कितना रहा है −4। अब dy भी निकाल लेंगे, ठीक है। dy क्या फॉर्मूला है, a1 c1 a2 c2,
ठीक है, तो A1 कितना है 4, C1 कितना है 4, A2 कितना है 6, C2 कितना है 8, 8 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
ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो x की वैल्यू निकालनी है। x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी, इस बार सही बोला मैंने, ठीक है। अब यहां पर dx कितना है -4, d कितना है 2, तो ये कितना आ रहा है -2। उसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे, dy अपॉन डी, ठीक है। dy कितना है 8, d कितना है 2, ये कितना आएगा 4। तो हम क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2.4 इज द सोल्यूशन, क्या लिखेंगे इज द सोल्यूशन। तो दूसरा भी सॉल्व हो गया, तो चलो अब करते हैं तीसरा सॉल्व। ठीक, बहुत ज्यादा गर्मी है यहां पर, गरीब के पास एसी भी नहीं है, पंखा भी बंद करके काम करना पड़ता है ताकि पंखे की घूंग घूंग आवाज ना आए। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं अभी। सब सही है अरेंज, इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे B2, इसको बोलेंगे C2। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, बिल्कुल सही D निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है D निकालने का, A1 B1 A2 B2, ठीक है। आप हमेशा ऐसे फॉर्मूला लिखा करो, ठीक है। अब यहां पर A1 कितना है रे भाई, A1 है 1, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2, B2 कितना है -3। ये कितना आता है 1 × -3 -3, 2 × 2 = 4, -4 कितना आया -7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है -7। अब निकालेंगे dx, ठीक है। dx क्या है, C1 B1 C2 B2, ठीक है, सेटे बेटे, ठीक है। C1 कितना है -1, B1 कितना है 2, C2 कितना है 12, B2 कितना है -3, ठीक है। अब -1 × -3 कितना होता है, वो +3 होता है, ठीक है। अब यहां पर 12 × 2 कितना होता है 24, तो ये कितना आ गया -24, कितना आया -21। उसी तरह से dy भी निकाल लेंगे, dy इज इक्वल टू क्या आता है, यहां पर dy निकालना है, यह आएगा a1 c1 a2 c2। अब a1 कितना है 1, c2 कितना है -1, a2 कितना है 2, c2 कितना है 12, तो 1 × 12 = 12, माइनस 2 × −1 −2। अब यहां पर लिखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 14। अब हमको क्या करना है, तो x की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d, तो dx कितना है बच्चों -21, d कितना है -7, माइनस ने माइनस को खा लिया, बहुत भूख लगी थी उसे, तो ये आ गया 3। अब यहां पर y, तो ये क्या आ गया dy अपॉन d, तो dy कितना है 14 / -7, कितना आता है -2। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर उत्तर लिखेंगे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 − 2 इज द सोल्यूशन, ठीक है। ये इस तरह से आपका तीसरा भी सॉल्व हो गया है। अब चलो करते हैं चौथे को सॉल्व, थोड़ा सा पानी लेता हूं मैं। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, इसको लिखेंगे यहां पर ऐसे, ठीक है। क्या है, 6x − 4y = −12। उसके बाद क्या लिखा है, 8x
माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, सही लिखा है, सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेल्व, और यहां पर क्या है, सिक्स एक्स माइनस एट इज इक्वल टू माइ, अरे यार मैं कौन सा देख रहा हूँ, एट एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब बालको ये है इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू, तो यहां पर ए वन बी वन सी वन, ए टू बट टू एंड कट टू, ठीक है, ये लिख लिया है। अब हमको डी निकालना है, फॉर्मूला क्या है, अवन बवन अत्तू बत्तू, ठीक है। अब छे और माइनस चार, आठ और माइनस तीन, ठीक है, सिक्स इंटू माइनस थ्री माइनस एटीन, माइनस कितना आएगा, माइनस थर्टी टू, तो ये कितना आ गया, एटीन प्लस थर्टी टू, ठीक है, कितना आता है, तो वो आता है फोर्टीन, कितना आया, फोर्टीन इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, फोर्टीन, ठीक है। उसी तरह से अब हम डी एक्स निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, कौवन बवन कत्तू बत्तू, ठीक है, सी वन डी वन इज इक्वल टू सी टू डी टू, ठीक है। अब सी वन कितना है, माइनस ट्वेल्व, डी वन कितना है, माइनस फोर, सी टू कितना है, माइनस टू, डी टू कितना है, माइनस थ्री, ठीक है। बहुत भूख लग गई है, बारह छत्तीस, ये कितना आएगा, प्लस थर्टी सिक्स, माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस थ्री प्लस थर्टी सिक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस आएगा, फोर इंटू टू एट, कितना आता है ये, तो ये आता है आपका ट्वेंटी एट, ठीक है। डी एक्स कितना आ गया, ट्वेंटी एट। अब डी वाई निकाल लेते हैं, डी वाई चंद्रचूर, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए वन सी वन ए टू सी टू, ठीक है, ए वन कितना है, छ, ए टू कितना है, आठ, सी वन कितना है, माइनस ट्वेल्व, सी टू कितना है, माइनस टू, ठीक है, छ और माइनस दो कितना होता है, माइनस बारह, बारह अठी छ, बारह पंचायत बारह छह माइनस चौरी बारह अठी छानो, तो ये माइनस नाइनटी सिक्स माइनस क्या, प्लस नाइनटी सिक्स, ठीक है। अब ये क्या कितना आता है, चार, और ये कितना आता है, आठ, चौदह छकम चौरासी, ठीक है, हाँ बराबर है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स क्या है, डीएक्स अपॉन डी, तो डीएक्स कितना है, बेचा अट्ठाईस आया, डी कितना है, चौदह, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, दो। उसी तरह से वाई निकालना है, डी वाई अपॉन डी, 84 अपॉन 14, 14 छः का 6 आ गया। अब यहां पर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2.6 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थोड़ा सा पसीना पूछ लेता हूं, बहुत ज्यादा गर्मी है यहां पर। चंद्रपुर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो भाई चौथा क्वेश्चन कर लिया हमने, अब चलो करते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 24, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन। उसके बाद 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ठीक है, ये हमने यहां पर क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट। शायद लैपटॉप भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले डी निकालना है, क्या आएगा डी का, ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, ठीक है, तो ये कितना आता है, 4 6 3 2, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, चार दूने आठ,
सैंतीस 18 माइनस 18 कितना आ रहा है, माइनस 10, ठीक है। उसके बाद डीएक्स, डीएक्स कितना आ गया है आपका, तो ये आ गया सी वन बी वन सी टू बी टू। सी वन कितना है 24, बी वन कितना है 6, 28 और 2, 24 इंटू 2 कितना होता है, तो वो होता है 48, और ये कितना होता है 28 इंटू 6, 8 छकम 8 4 12 13 15 16 माइनस 168 कितना रहे, माइनस 120 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से dy भी निकालेंगे, क्या आएगा dy a1 c1 a2 c2, ठीक है। अब a1 कितना है 4, c1 कितना है 24, a2 कितना है 3, c2 कितना है 28। यहां पर 28 इंटू 4 कितना होता है, चलो देख लेंगे, 28 इंटू 4 8 चौक 32, 8 9 10 11 112 माइनस 24 गुनीला 3 12 सहाने 7 माइनस 72, ठीक है। कितना आ गया, तो ये आ गया 30 और 40 आ गया है, ठीक है। तो यहां पर dy भी निकल गया है, d2 भी निकल गया है, dx भी निकल गया है। हम क्या करेंगे, यहां पर x इज इक्वल टू dx अपॉन d निकाल देंगे, ठीक है। तो dx कितना है माइनस 120, d कितना है 10, माइनस माइनस कट हो गया तो ये इसने कर दिया, तो x कितना आ गया 12। उसी तरह से y इज इक्वल टू dy अपॉन d, ठीक है। dy कितना है 40 और d कितना है माइनस 10, तो ये कितना आ गया माइनस 4। तो x comma y is equal to 12 comma minus 4 is the solution, ठीक है। ये आ गया आंसर, तो पांचवें भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं छठवां और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्यूटर भी गर्म हो गया है, ठीक। तो यहां पर ये भी लिख लेते हैं, ये कितना है 2x plus 3y is equal to 2, x minus y by 2 is equal to 1 by 2, ठीक है। अब ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1, a1 b1 c1। अब यहां पर देखो x into y by 2, तो मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन लिख देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2x minus y is equal to 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर आ गया a2 b2 c2, तो अब d निकालेंगे, यहां पर क्या आएगा 2 3 2 minus 1, ठीक है। 2 into minus 1 minus 2 minus 2 into 3 6 माइनस 2 माइनस 6 कितना होता है माइनस 8, ठीक है। अब dx इज इक्वल टू क्या होता है, तो dx की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है आपका c1 b1 c2 b2, ठीक है। अब c1 कितना है 2, c2 कितना है 2, b1 कितना है 3, b2 कितना है माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 6 कितना आ रहा है माइनस 8। अब इसी तरह से dy भी निकालेंगे, dy क्या आएगा बच्चों a1 c1 a2 c2, ठीक है। तो a1 कितना है 2, c1 कितना है 2, a2 कितना है 2, c2 कितना है 2, तो ये 2 2 कितना आएगा 4 आएगा और ये भी 4 आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है 0। तो हमें d की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी dx अपॉन d, ठीक है। dx कितना है माइनस 8, d कितना है माइनस 8, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1। उसके बाद y निकालेंगे dy अपॉन d, dy कितना है 0, d कितना है माइनस 8 0, तो यहां पर क्या आ रहा है 0 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर x comma y is equal to 1 comma 0 is the
सॉल्यूशन। ठीक है तो बच्चों यहां पर आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म हो गई है और मेरा कंप्यूटर लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, टाटा।